वालेकुम मेरा नाम है मोहसिन तारिक आज मेरे साथ पाकिस्तान के टॉप वेब डेवलपर्स में से एक फाद मत साहब मौजूद हैं जो बहुत से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं और अभी भी काम कर रहे हैं मैं उनको आज अपने सेशन में वेलकम भी करता हूँ और उनका थैंक यू भी करता हूँ कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया अलमकूम फाद अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन कैसे हैं आप थैंक यू शुक्र अलहमदिल्लाफात भाई जब मैं आपका सेटअप देख रहा होता हूँ आपकी वीडियोस में आपने एक स्क्रीन इधर लगाई होती है एक स्क्रीन उधर लगाई होती है और बड़े प्रोफेशनल तरीके में काम कर रहे होते हैं मुझे आप बताएंगे कि आप करते क्या हैं और इस मुकाम तक पहुँचे कैसे हैं आप जी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मेरा जो मेन स्किल है वो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इसके अलावा मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करता हूं तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं करता क्या हूं पिछले 20 सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ किसी न किसी फॉर्म में मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त जब मैं कॉलेज में था यानी एफएससी में पढ़ रहा था तो उस वक्त मेरे दोस्त जो थे वो देखते थे कि मैं कितना पैशनेट हूँ इस काम केसिस ने और वो मुझे कहते थे कि भाई तुझे ये प्रोफेशनली करना चाहिए कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे वो लोकली मुझे मिले और फिर वहाँ से मैंने काम का आगाज़ किया वो बहुत ज़्यादा वेल पेड तो नहीं थे इनफैक्ट कुछ की मुझे पेमेंट भी नहीं मिली थी उस वक्त लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि इसका एक बहुत बड़ा पोटेंशल है और जब मैं यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में था तो मैंने साथ साथ प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया था इनफैक्ट मैं फुल टाइम काम करता था और पार्ट टाइम में पढ़ता था अच्छा माशाल्लाह। so, तो यहाँ से मेरे करियर का आगाज हुआ था बात भाई ये बताएगा कि कौन सी लाइफ स्ट्रगल ऐसी हैं जो उसमें से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं खास बात ऐसी करियर की। जी जी बिल्कुल देखिए हम पाकिस्तान में जो 90 परसेंट आबादी है 95 परसेंट आबादी है वो सब के सब मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं जितने भी यहाँ इस तरह के लोग हैं उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके ऊपर आना पड़ता है उनको कोई भी चीज़ जो है वो सोने के प्याले में नहीं मिलती मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ जिनको बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिली हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा है और सबसे ज़्यादा जो मुझे स्ट्रगल फील हुई है लाइफ में वो वे कि एक छोटे टाउन में रहना और अपनी ज़िंदगी के पहले दस बारह साल एक गाँव में गुजारना बेसिकली जो लोग सुन रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि हम लोग हम दोनों मैं और मोहसिन एक ही इलाके से तल्लक़ रखते हैं एक ही गांव से तल्लु रखते हैं करीबन 20 सालों बाद हमारा दोबारा रबा हुआ इंटरनेट के थ्रू और मोहसिन ने मुझे इनवाइट किया कि मैं आके इस प्रोग्राम में मैं शिरकत करूँ और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए लेकिन मैं बताता चलूँ कि जब छोटे गाँव में आप रहते हैं तो आपकी बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं मिसाल के तौर पर हम हमेशा जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो बिजली चली जाती थी और मैं रमज़ान के दिनों में एन इफ़ार के वक्त एन शहरी के वक्त बिजली चली जाती थी पेपर्स के दिनों में पूरा पूरा दिन बिजली नहीं होती थी तो हमें इमरजेंसी लाइट्स लालटेने गैस लाइट्स इन सब में पढ़ना पड़ता था तो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल थी और इस सिलसिले में मैं एक चीज़ जो इंपॉटेंट चीज़ है जिसका तस्करा करना चाहूँगा वो ये कि मेरी वाला उन्होंने बहुत हमारी इस सिलसिले में हेल्प आउट किया हमें पढ़ाया मेहनत की हमारे साथ और इस मकाम पे पहुंचाया तो मैं सब लोगों को ये रेकमेंड करता हूं आपके वालद तो पढ़े लिखे हों या ना हो लेकिन आपकी वालदा जो है ना वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए और रिकमेंडेशन से मुराद ये नहीं है जहरी बात आप अपने पेरेंट्स को चूज़ नहीं कर सकते लेकिन आप अपने इस को चूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर की अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए फ्यूचर में मेरा ख्याल है कि मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते थे मेरे वालदेन से लेकर मेरे कजन मेरे आसपास के लोग मैं जहाँ पे भी जिंदगी में गया हूँ मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है तो मैं अपनी स्ट्रगल तो नहीं बता सकता लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं बड़ा लकी रहा हूँ मैं जहाँ पर भी गया हूँ मुझे इस तरह के लोग मिले हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जिन लोगों ने मुझे ज़िंदगी में गाइड किया है और मुझे आगे बढ़ने में मदद दी है मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबका शुक्रिया फाद भाई ये बताइएगा कि एक आम बच्चा जो आजकल स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए उसको कौन से ऐसे स्किल सीखने चाहिए ताकि वो उस मुकाम पे पहुंच सके जिस पे आप मौजूद मैं जब छोटा था तो मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली मैं बड़ा लकी रहा हूँ इस मामले में तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये कि मेरी वालदा बहुत पढ़ी लिखी थी तो मेरे ख्याल से आजकल के लोगों को जिस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बोलने के तरीक़े को इम्प्रूव करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जब आप इम्प्रूव करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत भी आता है ना तो आप उसको बेहतर अंदाज़ में एक्सप्लेन कर पाएंगे और जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी इमेजिन करें कि आप वेल well ड्रेस्ड भी हैं आप अपने आप को आपने अच्छी तरह से ग्रूम भी किया हुआ है आप अपने आप को बेहतर अंदाज़ में रिप्रजेंट भी कर रहे हैं और आप साथ में अच्छा बोल रहे भी हैं आपके बोलने से बहुत से लोग इंप्रेस होंगे आपसे तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें अच्छा ये तज़गा मैं क्यों कह रहा था कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने अपनी वालदा की तो बड़ी तारीफ़ की कि उन्होंने बड़ी मेहनत की लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा आपकी ज़ुबान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है जितने अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे आप उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे आपके लाइक like फाइक होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका अच्छा कम्युनिकेटर होना इम्पोर्टेंट है तो मैं सबको ये कहूँगा कि अपनी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करें अपने बोलने का तरीका इंप्रूव करेंगे आपके लिए बहुत से रास्ते खुलते चले जाएंगे और अच्छे तरीके से बोलेंगे प्यार से बात करेंगे हर एक से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी और टेक्निकल स्किल्स के बारे में आप क्या कहेंगे अच्छा टेक्निकल स्किल्स के बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि जी कुछ भी सीख लें कोई भी स्किल सीख लें लेकिन उस स्किल में ना आपने मतलब है दुनिया का बेस्ट बंदा बनने की कोशिश करनी है मैं इस वक्त जो मेरा स्किल है उसमें मैं दुनिया के टॉप वन परसेंट में आता हूँ और मैं एक छोटे से गांव से हूँ मतलब मैं गांव में बारह तेरह साल गुजारे हैं उसके बाद मैंने शहरों में भी मैं पढ़ा पढ़ाऊँ मैं पाकिस्तान के बेस्ट कॉलेज में भी पढ़ा पढ़ाऊँ यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा पढ़ाऊँ और मैं पाकिस्तान से बाहर भी अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा पढ़ाऊँ तो यूके की भी अच्छा खैर कहने का मकसद ये है कि कुछ भी कोई एक छोटी सी चीज़ पकड़ ले जिसको आपने ज़िंदगी में सीखना है और फिर को फिर उसको ऐसे करें फिर उसमें वसीम अकरम बन जाएं इस तरह वसीम अकरम है ना क्रिकेट में तो उस तरह से आपने मेहनत करनी है अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप आ, आपको लेगोस बनाने का शौक़ है ये लेगोस का सेट तो नहीं है किसी और कंपनी का है मैं इनका नाम छुपा देता हूँ क्योंकि हम स्पॉन्सर्ड नहीं है ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये बनाना है तो मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो प्रोफेशनली सिर्फ लेगो के सेट्स बनाते हैं और वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं एंड दे मेक मिलियंस जस्ट फ्राम मेकिंग दीज लेगो सेट्स हॉलीवुड के लिए बनाते हैं मुख्तलफ़ कंपनीज़ के लिए बनाते हैं इसके मुकाबले होते हैं बाकायदा दुनिया में ये भी एक कम्पटिटिव सपोर्ट है लेगोज़ बनाना सो so, कहने का मकसद ये है कि आप कुछ भी इमेजन करें कुछ भी आप सोच लें कुछ भी सोच लें आप अच्छे ऑडियो आप अच्छा बोलना सीखना चाहते हैं आप वो सीख कर आप टॉप पे जा सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी आप ये चाहते हैं कि आप व्लॉगिंग करें और पूरी दुनिया दिखाएं लोगों को तो आप सफ़र करें लोगों को पूरा पूरी जगह दिखाएं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें बेहतर वीडियोग्राफी सीखें तो ये भी एक स्किल है जिसकी वजह से आप पैसे भी कमा सकते हैं इज़्ज़त भी कमा सकते हैं मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ टेक्निकल बंदा हूँ तो इसमें मैंने क्या किया कि एक तो मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया कि मैं लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है हमेशा आपने किसी भी प्रोफेशन में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और उसका सोल्यूशन बना के देना होता है ये दो चीज़ें जब आप कर लेते हैं ना तो आप अपनी अपने काम में माहिर तस्वर किए जाते हैं और फिर उसके बाद आपको पैसे भी मिलते हैं और आपको इज्जत भी मिलती है उम्मीद है कि इस सवाल का आंसर में दिया होगा तसली बख्श बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह आपने कही कि अपने कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बड़ी इंप्रूव करने की हमें ज़रूरत होती है ताकि जो और खास तौर पे जो आपने कहा कि आप अपना प्रॉब्लम जो है वो किसी को बयान कर सकें तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन वो अपना प्रॉब्लम किसी को बता ही नहीं पाते जिसकी वजह से नहीं मिल सकता आ, फाद भाई ये चीज बताइएगा कि जो रिसर्चर्स आजकल रिसर्च कर रहे हैं आपकी वेब डेवलपमेंट में उसमें उनको कौन सी ऐसी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसकी जरूरत है आप समझते हैं फील्ड के मेरे ख्याल से मैंने जो पाकिस्तान में नोट किया है कि लोग टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं उसकी साइंस पे फोकस नहीं करते और उसकी वजह भी है कि हमारा जो ऐसे दौर से गुजरा है कि जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है एवरी वन वॉन्ट्स टू मेक मनी एंड दे वॉन्ट टू मेक इट फास्ट तो मैं उनको दोष नहीं देता उनको बुरा नहीं कहता लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है और जिस पर मैं कुर्ता भी हूँ कि लोग शॉर्टकट्स बड़े ढूंढते हैं हर चीज़ में तो हमेशा आप शॉर्टकट्स पे ना जाएं आप चीज़ों की बेसिक्स को समझने की कोशिश करें मैं आपको उसकी छोटी सी एक्जाम्पल दिखाता हूँ मैं इस कैमरे पर रिकॉर्डिंग कर रहा करूँ लेकिन यहाँ पर मैं अपने इस कैमरे को थोड़ा सा नीचे की तरफ ढूंढूँगा और आपको कुछ चीज़ दिखाई देगी ये देखें जी यहाँ पर एक सेट पड़ा हुआ है यही सेट जो कि मैंने अपने बेटे के लिए लाया है मैं अभी दुबई गया हुआ था तो वहाँ से ख़रीद के लाया हूँ और ये सेट जो है ये सेट मेरे बेटे ने आज बनाना है तो सबसे पहले उसने क्या किया है और वो ये मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी उसने सबसे पहले सारे कलर्स वाले वालों को सेपरेट किया है आप देख रहे हैं कि रेड अलहदा से पड़े हुए हैं येलो अलीदा से पड़े हुए हैं ग्रेज अलहदा से पड़े हुए हैं ब्लैक इस तरफ अलहदा से पड़े हुए वो दिखाई नहीं दे रहे कैमरे पे और वाइट अलहदा से पड़े हुए हैं और उनमें से उनकी शेप्स के मुताबिक उसने फिर दोबारा कैटेगराइजेशन की है अब ये वो सारी चीज़ें जो मैंने अपने बेटे को नहीं दिखाई बताई लेकिन उसको ये अंडरस्टैंडिंग थी बीइंग अ एट ईयर ओल्ड कि जी मुझे सबसे पहले कलर्स कोलादा करना है फिर उनमें से शेप्स को अलग करना है और फिर इस सारे तरीक़ाकार इस एलगुरदम को इस्तेमाल करते हुए मुझे इन सब को जोड़ना है और आखिर में मेरे पास ये स्पेस शटल बन जाएगी सो so, कहने का मकसद क्या है अब ये बात बताने का मकसद क्या है कि आप बेसिक्स को अच्छे तरीके से सीखें फिर आपने उससे शटल बनानी है आप शटल बना लेंगे आपने उससे मोटरसाइकिल मोड़, बनाना है आप मोटरसाइकिल बना लेंगे लेकिन जब आपकी बेसिक्स ही ठीक नहीं होंगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो हमेशा अपनी बेसिक्स पे फोकस करें ए बी सी पहले बंदा पढ़ता है फिर उसके बाद छोटे छोटे दो दो तीन तीन लेटर्स के अल्फाज बनाना शुरू करता है फिर उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना शुरू करता है फिर उसके बाद छोटे छोटे मज़मून लिखना शुरू करता है चंद पैराग्राफ के फिर उसके बाद वो बंदा किताब लिखता है और फिर उसके बाद वो किताबें लिखता है तो हर चीज़ का एक जर्नी होता है आप अगर अप, अपने जर्नी को अपने स्टार्ट की जर्नी को किसी के 20 साल की जर्नी से कंपेयर कर रहे हैं ना तो आपसे तो बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है आपको अपने स्किल्स पे फोकस करें अपनी मेहनत जारी रखें खूब मेहनत करें और फिर उसके बाद दुनिया से उसका दुनिया से और अल्लाह मियाँ से अगर आप रिलीजस हैं तो दुनिया से और अल्लाह मियाँ से उसका नतीजा मांगें उसका रिजल्ट मांगें आप मेहनत किए बगैर कहीं नहीं आगे बढ़ सकते मोहसिन ने बड़ी एक प्यारी वीडियो बनाई थी परीजात के बारे में मुझे बड़ी पसंद आई थी तो पाकिस्तान में सब लोगों को ना परीजात बनने का बड़ा शौक़ है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है हमारे अंदर कोई ख़ूबी नहीं है हमारे अंदर कोई खूबसूरती नहीं है लेकिन रिटर्न हमें चाहिए करोड़ों का लाखों का ऐसे नहीं होता दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स आपको मेहनत करनी पड़ती है आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है और रिसर्चर्स की जहाँ तक बात करता हूँ तो रिसर्चर्स मेरी फील्ड में उनको बड़ी ज़रूरत है कि वो बेसिक कंप्यूटर साइंस के ऊपर फोकस करें ये समझें कि ये कोई चीज़ काम किस तरह से करती है इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं जब वो ये समझ लेंगे ना तो बेसिक्स जिस बंदे को आती हैं वो बड़े बड़े काम कर सकता है जिसकी बुनियाद ही हवा में खड़ी हुई हो ना तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता उसकी बुनियादें ही उसको नहीं पता किस चीज़ की बनी हुई हैं उसके ऊपर वो कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है बुनियाद मज़बूत होगी उसके ऊपर आप आइफल टावर खड़े कर दें या बुर्ज खलीफा खड़ा कर दें लेकिन बुनियाद ही कमज़ोर सी है तो फिर आप क्या करेंगे लाइफ में बस मेरा यही कहना है बहुत शुक्रिया भाई आपका आज हमें टाइम देने के लिए अगर आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक भी करें और शेयर भी करें अगर आप मेरे चैनल पे न्यूए तो इसको सब्सक्राइब भी करें थैंक यू वेरी मच अल्लाह अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया